जैसे ही गर्मी के दिन आ जाते टोनी बहुत डर जाया करती, क्योंकि धूप के तेज होते ही उसके बच्चों को बहुत तकलीफ हुआ करती थी। वो पेड़ पर तो रहा करती थी, पर गर्म हवाओं के कारण वो वहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रह पाती थी। इतनी तपती धूप में ये मनुष्य कैसे जी पा रहे हैं, समझ में नहीं आता। हम पंछियाँ ही इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो चिंता में बैठी टोनी सोच रही थी, तभी उसकी सहेली मही चील उसके पास आई। टोनी, मुझे तुमसे एक चौंका देने वाली बात बतानी है, इसीलिए आई हूँ मैं यहाँ। क्या, कहाँ से बात? ऐसे भी क्या बात है जिसे बताने के लिए तुम दौड़ी दौड़ी चली आ रही हो? तुम्हें पता है मनुष्य गर्मी से बचने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? उसे एसी कहते हैं। वो चीज मेरे पास है, जानती हो कितनी मुश्किलों से मैंने उसे हासिल किया है। एक बार तुम मेरे घर आओगी ना, मेरे घर से जाना नहीं चाहोगी। मही की बात सुनने के बाद तुम्हें एक पल भी गंवाना नहीं चाहती थी। चलो चलो तुम्हारे घर चलते हैं। फिर वे दोनों सहेलियां तुरंत मही के घर चले गए। मही के घर पर एसी की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हाँ, पर दोस्त तुम्हें इसके लिए बिजली कहाँ से मिली? यूँ हैरान होते हुए टोनी ने सहेली से पूछा। मनुष्यों की बात होती तो उन्हें बिजली का बिल भरना पड़ता, पर हमें तो बिजली का बिल भरने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि देखो मैंने तो डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया है। मही की बातें सुन टोनी आश्चर्यचकित हो गई। बहुत समय तक वो वहीं बैठी रही। दोस्त, क्या ऐसी एक चीज तुम मेरे लिए भी ला दोगी? मेरे बच्चे भी धूप से बहुत परेशान हैं। पेड़ पर रहे उस घोंसले में गर्म हवाओं के चलते हम बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे। इस पर मही बोली, हाँ हाँ थोड़ा समय लग सकता है, पर मैं कोशिश जरूर करूँगी। टोनी ने अपनी सहेली से विदाई ली और वहाँ से चली गई। कुछ एक हफ्ते बाद टोनी के घर पर भी एसी लग गई। उस दिन से टोनी के आस पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेलियाँ और उनके बच्चे टोनी के घर में ठंडी हवा में आराम करने आने लगे। टोनी इस बात से बहुत खुश हो रही थी। उन बच्चों को खाने पीने की कोई चीज चाहिए होती तो टोनी उसका भी बंदोबस्त किया करती। एक दिन लूसी और छोटू तोता ने उससे कहा, दोस्त तुमने इसे लाकर बहुत ही बढ़िया काम किया है, वरना इस भभकती लू में रह पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। यूँ वे सभी आपस में बात कर रहे थे कि तभी मही चील वहाँ पर आई। टोनी, ओ टोनी! गुस्से में लाल मही टोनी के घर के अंदर गई। मैंने तुम्हें अपनी सहेली मानकर तुम्हें एसी के बारे में बता क्या दिया? मैंने सोचा भी नहीं था तुम ऐसा कुछ कर दोगी। टोनी समझ नहीं पाई। अरे दोस्त, हुआ क्या है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आखिर हुआ क्या है? सब कुछ कर करा कर अब अनजान बनने का नाटक कर रही हो? तुम जैसा तो एक ही काफी है। मही की ऐसी बातें सुन उसकी दोनों सहेलियों ने, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जबान संभाल कर बात करना हमारी सहेली से। आखिर उसने किया क्या है? एक तो तुमने बताया नहीं कि हुआ क्या है, और जो मुँह आया बोलती जा रही हो। भड़की हुई मही ने कहा, तुम्हारी इस सहेली ने मेरे घर से एसी चुरा लिया है। मही की बात से छोटू को बहुत गुस्सा आया। एक शब्द और कहा ना, तुम्हारी जबान काट लूंगी मैं। तुमने समझ क्या रखा है मेरी सहेली को? खुद हम तीनों ने मिलकर ब्रूसली को पैसे देकर ये एसी खरीदी है, और एक बार ऐसी बकवास की ना, कान पे ऐसा दमाचा दूंगी कि गोल गोल घूमती रहेगी। क्या कहा? तुम तीनों सच कह रही हो? हाँ, हमारा कहा एक एक शब्द सच है, इसके हम दोनों गवाह हैं। मही को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। दोस्तों, मुझे माफ कर दो, मैंने सच्चाई जाने बगैर ही तुम पर इल्जाम लगा दिया, गलती हो गई। आज सुबह जब मैं बाहर से घर लौटी तो मेरे घर पर एसी गायब थी। मुझे लगा हो न हो तुम इन्हें एसी चुराई होगी। दरअसल बाहर सब में बात चल रही थी कि तुम्हारे घर पर एसी आई है, मुझे लगा तुम इन्हें मेरी एसी चुराई होगी। टोनी ने कहा, ठीक है दोस्त, कोई बात नहीं, पर तुम्हारी एसी चुराई किसने होगी? क्या तुम अपनी एसी को पहचान सकती हो? हाँ हाँ, मैंने अपनी एसी पे मेरा नाम भी लिख रखा है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरी एसी को एक बार जांच लेना होगा। मही ने
ने जब एसी के करीब जाकर देखा तो उसमें मही का छोटे अक्षरों में नाम लिखा हुआ था। देखो दोस्त, इस एसी पे मेरा नाम लिखा हुआ है। उन तीनों ने नाम देखा और वे चौंक गए। पर दोस्त, ये कैसे मुमकिन है? लगता है तुम्हारे मंद दिमाग में ये बात अभी तक नहीं आई। मुझे तो उसी दिन शक हो रहा था कि ब्रूसली के पास आखिर ये एसी आई कहाँ से। तुम दोनों ने ही जल्दबाजी की और मुझे एसी खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। उसी ब्रूसली ने वहीं से ये एसी चुराई और हमें बेच दी। इस तरह उसने अपना फायदा कर लिया। टोनी को सारी बात समझ में आ गई थी। तो अब किस बात का इंतजार कर रहे हो दोस्तों? फिर सभी पक्षी मिलकर ब्रूसली के पास चले गए। सभी पंछी को एक साथ वहाँ देखकर, क्या बात है, तुम सभी एक साथ यहाँ? तुम्हें कोई चीज चाहिए थी क्या? हाँ चाहिए ना, हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, वो चीजें जो तुम्हारे शरीर के अंदर हो। यूँ गुस्से से कहने पर ब्रूसली समझ में आ गया। वे सभी एक साथ जब ब्रूसली पर हमला करने आए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही एसी चुराए थे क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था दोस्तों, इसलिए मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। मैं तुम सबके पैसे लौटा दूंगा। उन तीनों दोस्तों ने ब्रूसली को कड़ी चेतावनी दे दी और उन्होंने धमकी दी कि आइंदा ऐसी कोई भी हरकत करने की सोचे भी ना। तीनों सहेलियां वहां से निकलकर इस सोच में पड़ गए कि आगे क्या किया जाए। अब इतना सोचना भी क्या है दोस्तों, जब तक गर्मी के दिन खत्म नहीं हो जाते हम सब तुम्हारे ही घर पर रहेंगे। हाँ हाँ दोस्तों, इन गर्मियों के खत्म होने तक तुम सब मेरे ही घर पर रह सकते हो। फिर उस दिन से गर्मियों के खत्म होने तक सभी सहेलियां टोनी के घर पर ही आराम से रहने लगे। कौवा अपने घोंसले के बिखर जाने पर बहुत दुखी थी, पर उससे ज्यादा दुख उसे इस बात का था कि उसने अपने दो में से एक बच्चे को हमेशा के लिए खो दिया था। मेरी समझ में नहीं आता, मैंने उनकी बात क्यों नहीं मानी। आज मेरा घर बिखर कर मेरे बच्चे के मरने की वजह मैं खुद हूँ। अच्छा होता अगर मैंने उनकी बात मान ली होती। ये सोच सोच कर वो रोए जा रही थी। आखिर उसके साथ क्या हुआ था और उसने किसकी बात नहीं मानी थी, चलिए देखते हैं कहानी में। कुछ दिनों पहले जंगल में निवास करने वाले पंछियों की बैठक बुलाई गई। दोस्तों, आज मेघराज के साथ मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में भारी वर्षा होने वाली है। आप सभी को अपने बच्चों की सुरक्षा का इंतजाम करना होगा और हम सबको अपने बच्चों की सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। लूसी ने ये सुनकर कहा, हाँ दोस्त, हम भी यही सोच रहे थे। हमें तुरंत अपने घोंसलों को छोड़कर अपने लिए मजबूत घर का इंतजाम करना चाहिए। सभी उस पर सहमत हुए, पर कौवे ने कहा, क्या कहा, बादल छाएंगे और बरसात होगी, पर इसमें नया क्या है, वो तो हर बार होता ही है ना। हम सब हमेशा की तरह ही रह सकते हैं ना, भला इस बार मजबूत घर को बनाने की क्या जरूरत। मैं ये सब नहीं करने वाली, मैं तो चली अपने घर। चील ने उसे रोक कर कहा, चीचू एक बार मेरी बात सुनो, इससे पहले कभी भी मेघराज ने हमें ऐसी चेतावनी नहीं दी थी। अगर इस बार दी है तो जरूर कोई बात होगी ना, इसीलिए मेरी बात मानो, अपने लिए पक्का घर बनाने के काम में लग जाओ। अपने जिद और आलस के कारण मेहनत करने से बचने के रास्ते मत ढूंढो। तुम्हें कुछ समझ भी रहा है? बहुत हुआ आज का ज्ञान, अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं चलूं। यूँ मुंह बनाती हुई कौवा वहाँ से चली गई। मुझे लगता है इसे इसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। अब हमें ये सोचना होगा कि पहले हमें क्या करना है। पेड़ों पर अपने लिए मजबूत घर बनाने के काम में लग जाते हैं। चील का कहा टोनी के साथ साथ सभी ने मान लिया। सभी ने सोचा कि वे अपने लिए मजबूत घर बनाएंगे। उन्होंने तय किया कि किसी बड़े वृक्ष की तलाश करेंगे, उसके दो बड़े तनों पर आसपास घर बना लेंगे। टोनी लकड़ियों को तोड़ने के काम में लग गई। लूसी उसे अपने कंधे पर ढोकर पेड़ पर बैठे घर बना रही चील के यहाँ पहुँचा देती। वहाँ छोटू और मही लकड़ियों को जोड़ जोड़ कर उस पे कीले ठोक कर घर बना रहे थे। सभी साथ में मिलजुल कर मेहनत कर रहे थे और एक मजबूत सा घर बना लिया था। यूँ हफ्ते भर तक उन्होंने खूब मेहनत की और एक मजबूत सा घर बना लिया, जिसमें अपने बच्चों के साथ वे सभी साथ रहने लगे।
उन सबको दूर से देख रही चीचू कौवा, कितने मूर्ख है ये सभी, इतनी मेहनत कर बेकार ही घर बना लिया। ना जाने ये कब समझ पाएंगे कि इन्हें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। खैर, मुझे क्या लेना देना। ठीक अगले ही दिन बरसात शुरू हो गई। इतनी जोर की हवाएं चल रही थी और धुआंधार बारिश होने के कारण पल भर में चीचू कौवा का घोंसला उखड़कर नीचे गिर गया। उसकी परिस्थिति इतनी खराब थी कि वो अपने दोनों बच्चों को लिए वहाँ से कहीं नहीं जा पा रही थी। उसने खुद से कहा, आज इतनी बारिश क्यों हो रही है, ये सोचकर वो पछता रही थी। जैसे तैसे अपने दोनों बच्चों को कंधे पर बिठाकर वो किसी और जगह जाने के लिए निकली, पर कड़कड़ाती ठंड और तेज बरसात को उसका बच्चा सहन नहीं कर पाया और उसके एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। वो अपने दूसरे बच्चे को बचाने की कोशिश में लग गई। वे दोनों बिना आहार के तड़प रहे थे। दूसरी ओर बाकी सभी पंछी उस मजबूत से घर में आराम से रह रहे थे। आखिरकार बरसात थम गई। उसने कितनी बड़ी गलती की थी ये उसे उस दिन समझ में आया। तभी उसकी सभी सहेलियां उससे मिलने आई। दोस्त, अब ये सही समय नहीं होगा तुम्हें कुछ कहने का, पर अगर तुमने हमारी बात मानी होती तो ये सब होता ही नहीं। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, तुम हमारे साथ रह सकती हो। दोस्तों, सबसे पहले तो तुम्हारी बात ना मानने के लिए मुझे क्षमा कर दो, और जो गलती मैंने की उसके लिए मुझे ये सजा मिलनी ही थी, इसीलिए कह रही हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। इस पर लूसी बोली, दोस्त, इसके पहले भी तुमने हमारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की थी, अब फिर से अपनी गलती को दोहराना मत, खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो, चलो हमारे साथ। यूं समझा कर कहने पर चीचू ने उनकी बात मान ली। वो अपने दूसरे बच्चे को भी खोना नहीं चाहती थी, इसलिए सभी से माफी मांगकर वो उनके साथ रहने के लिए उनके घर पर चली गई। उसने सभी से कहा कि घर बहुत ही सुंदर बना है। उससे सराहना सुनकर सभी बहुत खुश हुए। उस दिन से वे सभी एक साथ उसी घर में रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि जब अपना भला चाहने वाले हमारे भलाई के लिए कुछ कहे तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। मेहनत से मुंह मोड़कर अच्छे काम के लिए अगर हम कदम से कदम मिलाकर ना चले तो हमें सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं मिलता।